वेलकम जी। 40% का प्रॉफिट मात्र 10 दिनों में। एक स्टॉक जो कुछ 10 दिन पहले ही मार्केट में लिस्ट हुआ और 40% का रिटर्न दे चुका है। देखते हैं उसकी कैसे परफॉर्मेंस है। अगर हम बात करते हैं जस्ट लास्ट, अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 33.98% का वो रिटर्न दे चुका है जब से वो लिस्ट हुआ है। कंटिन्यूअसली बेसिस पे वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं 1 वीक में, तो इसका लोअर रहा है 594 का, और हर दिन ये 5%, 5%, 5%, 5% ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और जिस सेक्टर में काम करता है उस सेक्टर ने तो सिर्फ 1% का रिटर्न, और सेंसेक्स भी 1% का ही रिटर्न दिया है, लेकिन इस स्टॉक ने आपको 27% का रिटर्न दे चुका है। अगर हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 58% इसके शेयर जो प्रमोटर के पास है और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 29% है, और अदर FII और DII के पास 7 और 4% है। सो जो स्टॉक्स है हम बात कर रहे हैं पारस डिफेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, और ये जस्ट लिस्ट हुआ था अक्टूबर 1 को, और इसका लोअस्ट प्राइस था 460 रुपया, और ये अभी केस में 400 ऑलमोस्ट 70 रुपये, 60 रुपये के आसपास हो चुका है, और 1 महीने के अंदर ही इसने 27% का रिटर्न आपको दे दिया है। अगर हम बात करते हैं कि ये स्टॉक्स जस्ट अभी मार्केट में नया नया लिस्ट हुआ है, तो इसकी बहुत सारे डेटा पॉइंट अवेलेबल नहीं है जिससे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट हो सके, डिविडेंड कैलकुलेट हो सके। हाँ, लेकिन इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में कोई रेड्स फ्लैग नहीं है, और ये स्टॉक अभी अपने जो सेक्टर का पी है 24 का, और ये आपको 155 के पी पे मिल रहा है। तो ये स्टॉक्स जस्ट लिस्ट होने के बाद ही परफॉर्मेंस पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। और अब बात करोगे कि सो नाउडेज डेली बेसिस पे 5% अप, 5% अप, 5% अप, 5% अप, 5% अप। सो पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर लोग चाह रहे हैं कि शेयर को खरीद लें। अभी जस्ट स्टार्टिंग है इसकी। सो आप भी इस शेयर के बारे में, इस स्टॉक्स के बारे में अपना एक एनालिसिस कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और आपको लगता है कि ये स्टॉक्स नियरली श्योरली आने वाले वीक में, आने वाला मंथ में सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स आपको ये ऑफर कर सकता है। ओके, सो ये सबसे पहले जानने की बात है, एक छोटा सा स्मॉल कैप का ये शेयर है। अभी जस्ट लेटेस्ट ही मार्केट में इसी 10 दिन पहले लॉन्च हुआ है, लिस्ट हुआ है, और लिस्ट होने के बाद सारे लोग इस स्टॉक्स को सिर्फ खरीदना चाहते हैं, सिर्फ खरीदना चाहते हैं, सिर्फ खरीदना चाहते हैं, सिर्फ खरीदना चाहते हैं, कोई बेचना नहीं चाहता है। तो इस स्टॉक के अंदर कुछ तो प्रेफरेंसेज है जिसके जितने लोग हैं सिर्फ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और हर दिन ये 5% का अपर सर्किट में चला जा रहा है। सो आप भी इस स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखो और एनालिसिस करो, क्या इस शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम्स आने वाले 1-2 मंथ में अगर आप इस स्टॉक्स खोलोगे तो श्योरली कुछ बेटर रिटर्न्स आपको दे देगा। और इसकी बात करते हैं रिस्क की, तो अभी ये लो रिस्क कैटेगरी में है। ठीक है, सो ये पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का शेयर जस्ट 1 तारीख को लिस्ट हुआ, लोअर प्राइस था 460 रुपये का, आज के डेट में ये 460 रुपये पे हो चुका है मात्र 10 दिनों के अंदर। तो आप इस शेयर को
लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो दिस इज द गुड स्टॉक, बट द सजेशन इज दैट कि आप इस स्टॉक्स को अपने पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करो, देखो और फिर डिसीजन लो क्या ये स्टॉक्स आपके लिए फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ओके, सो अगेन हियर आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।